सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरे शोध पत्र का विषय है वर्तमान शिक्षा में वैदिक मूल्यों की उपादेयता। प्राचीन काल से ही समाज में शिक्षा का व्यापक महत्व रहा है। समाज का विकास शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर ही आधारित रहता है। यानी दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि, सामाजिक चेतना, राजनैतिक एकता एवं जीवन स्तर की उच्चता को प्राप्त करने के लिए उत्तम शिक्षा नितांत आवश्यक है। हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो भौतिकता के विकास एवं उन्नति पर आधारित है। सिर्फ पद, प्रतिष्ठा, जीविका इत्यादि का मिल जाना और अंत में मृत्यु ही ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना का परम लक्ष्य नहीं माना जा सकता, बल्कि जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष न रह जाए, वही मानवता का परम लक्ष्य है। किंतु आज मानव तृष्णा, आकांक्षा और वासना के जाल में फंस चुका है। इन सब का मूल कारण हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति है। अतः आज आवश्यकता है कि शिक्षा में वैदिक मूल्यों का समावेश किया जाए, ताकि व्यक्ति मानवता को न भूले, वह अपने अधिकार एवं कर्तव्यों की सीमा को निर्धारित कर सके, भोग तथा योग दोनों ही व्यक्ति में समाहित हों। उपनिषदों में भी भोग को अस्वीकार नहीं किया गया है, किंतु त्याग पूर्वक संयमित भोग को ही श्रेयस्कर माना गया है। कहा भी गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। हमारे जो प्राचीन भारतीय आचार्य हैं, उन्होंने शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं माना है, अपितु उनके अनुसार विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान रखने पर भी यदि व्यक्ति में अंतर ज्योति का विकास नहीं हुआ तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। वैदिक काल में हमारे साक्षात कृत धर्म ऋषियों ने आनोभद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः मंत्र के द्वारा कल्याण की कामना तथा स्वस्ति पंथानम अनुचरेम मंत्र के द्वारा सदैव कल्याण के पथ पर चलने तथा अशिव से दूर रहने की कामना हजारों वर्ष पूर्व की थी। वैदिक ऋषियों ने जीवन के महत्व और उसकी उपयोगिता पर गहराई से विचार किया था, क्योंकि वे एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते थे जो उनके लिए तो मंगलमय रहे ही, साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मंगलकारक हो, शिव हो और भय से रहित हो। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में अनेक ऐसे तत्व विद्यमान हैं जिनको अपनाकर हम अपने वर्तमान एवं भविष्य दोनों को सुंदर बना सकते हैं। वैदिक शिक्षाएं शाश्वत हैं। इन शिक्षाओं को हमें अपने जीवन में अवश्य स्थान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि ये सार्वकालिक और सार्वभौमिक प्रासंगिकता से युक्त हैं। धन्यवाद।